नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अपने ही चैनल स्टडी फॉर एग्जाम्स में। बात करेंगे आज स्टैटिक जीके की, जो हमारी सीरीज चली 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, उसके 16 पार्ट के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन वो होते हैं जो टॉप मोस्ट अपडेट क्वेश्चन होते हैं, कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, वही आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है, कोर्स ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए हमारा ये चैनल है, इसका नंबर ये है टेलीग्राम का, तो आप इस नंबर पे जाके ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कई सारे ग्रुप हम लोग के चलते हैं, इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये, अगर आपको वीडियो नोटिफिकेशन चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर लें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बैंक इन इंडिया, तो इंडिया में पहला बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर ए, भारत में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर नेक्स्ट है, केरोसिन यूजुअली कंटेन्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन नंबर्स, तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, C12 to C16। केरोसिन में आमतौर पर कार्बन संख्या वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, C12 से C16। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सितंबर 5th इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे ऑन द मेमोरी ऑफ, आप सबको पता होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती, जिस दिन उनका जन्मदिन होता है उसी दिन हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और ये किसकी याद में होता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर नेक्स्ट है, नंबर ऑफ पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड जोन्स इन इंडिया, इंडिया में पिन कोड जोन्स कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका ए, 9 है। भारत में पिन की संख्या कोड क्षेत्र कितने हैं, 9 हैं। फिर नेक्स्ट है, ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इट, ओजोन लेयर भैया अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है इम्पॉर्टेंट है सारे लिविंग बींग के लिए, क्यों है, तो ये है, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ हार्मफुल यूवी रेसेस, ये हमें यूवी रेसेस से प्रोटेक्ट करती है। पृथ्वी के वातावरण की ओजोन परत जीवित जीवों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हानिकारक यूवी किरणों के प्रवेश को रोकता है। फिर नेक्स्ट है, इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इम्पोर्ट ऑफ, किसका, किसकी ज़रूरत होती है, तो इसमें होती है कुकिंग कोल की। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग के आयात की आवश्यकता होती है खाना पकाने वाले कोयला की। फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ बिन लॉन्च फॉर, जनधन क्यों लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके लिए शुरू की गई थी, देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। फिर नेक्स्ट है, ईडन गार्डन इज़ वन ऑफ द फेमस क्रिकेट स्टेडियम सिचुएटेड, ईडन गार्डन कहाँ भैया, कोलकाता में, सबको पता है आपको, ठीक है, नहीं पता तो अब पता चल गया होगा, इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर ये सी, ओके। फिर नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन वॉज द ग्रेट वर्क ऑफ, किसका ग्रेट वर्क था, महान कार्य था, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, लुइस ई वॉटरमैन, ये कब हुआ था, 1884 में, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है, बैलून वॉज इन्वेंटेड बाय, बैलून किसने इन्वेंट किया था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, जैक्स एंड जोसेफ मॉन्टगोल्फियर, 1783 फ्रांस के थे ये, बैलून होना चाहिए, बलून का आविष्कार किसने किया था, जैक्स और जोसेफ मॉन्टगोल्फियर, 1783 में, मतलब 1783 में फ्रांस में हुआ था। फिर नेक्स्ट है, फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया कौन थी, तो आपको सबको पता होगा ICICI, भारत में पहला यूनिवर्सल बैंक ICICI बैंक था। फिर नेक्स्ट है, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, इंडिया में क्रेडिट कार्ड पहले किस बैंक ने ईजाद किए थे या शुरुआत की थी उसकी, तो ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम इन इंडिया, तो ये किसने किया था, चेक सिस्टम ये किया था आपका
ए बंगाल बैंक इन 1784 भारत में पहला चेक बैंक चेक प्रणाली शुरू करने के लिए 1784 में बंगाल बैंक ने शुरू की थी बैंक चेक प्रणाली। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका हो गया ये फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस सेविंग बैंक इन इंडिया। तो फर्स्ट बैंक इंडिया में जिसने सेविंग बैंक को इंट्रोड्यूस किया या परिचय दिया, तो ये कौन सी थी भैया? ये थी आपकी, इसमें भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंसी बैंक इन 1830। भारत में बचत बैंक का परिचय देने वाला पहला बैंक कौन सा है? 1830 में प्रेसिडेंसी बैंक। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम। एटीएम वर्ल्ड में सबसे पहले किस बैंक ने एटीएम को इंट्रोड्यूस किया था? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ बार्कलेज इन 1967 लंदन। मतलब लंदन में कौन सी बैंक थी जिसने इंट्रोड्यूस किया था एटीएम वर्ल्ड में सबसे पहले? बैंक ऑफ बार्कलेज। और ये कब हुआ था? 1967 में। दुनिया में एटीएम की शुरुआत करने वाला पहला बैंक था बैंक ऑफ बार्कलेज लंदन की है 1967 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया। अब इंडिया में किसने किया था एटीएम? तो इंडिया में किया था आपका CHSBC इन 1987 मुंबई में। ठीक है, भारत में एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक HSBC 1987 में 1987 में मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ RBI कौन थे? तो है ऑप्शन नंबर ए CD देशमुख। RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो इसमें थे आपके ऑप्शन नंबर सी मिस्टर ऑसबोर्न स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे श्री ऑसबोर्न स्मिथ। तो नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन बैंक ओपेंड आउटसाइड द कंट्री। पहला भारत के बाहर खुलने वाला इंडियन बैंक, तो ये कौन सा था या उसकी ब्रांच खुलने वाली? इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ इंडिया। ये लंदन में खुला था 1946 में। देश के बाहर पहला भारतीय बैंक खोला गया 1946 में लंदन में खोला गया था, कौन सा था? बैंक ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया। पहली भारत में विदेशी बैंक कौन सी थी? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए द कॉम्पटोर नेशनल डी कॉम्पटी डी पेरिस ऑफ फ्रांस। फ्रांस की थी ये, अजीब सा नाम है। इन 1860 भारत में पहला विदेशी बैंक कौन सा था? 1860 में फ्रांस के कॉम्पेप्टर राष्ट्रीय डी सेम्प्टी डे पेरिस CNEP जो भी है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। कोई किसी भी क्वेरी के लिए, कोई भी पेड ग्रुप से रिलेटेड जानकारी के लिए आपको ये नंबर दिया गया है 8564880 53 पे आप कॉन्टेक्ट कर 530 पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।